नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे हरियाणा की जो हम खेती बाड़ी है उसके बारे में कि कौन सी फसल बीजी जाती है कौन से सीजन सीजन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हरियाणा की जो 70% आबादी वो खेती बाड़ी के कार्य में लगी हुई है। कितनी परसेंट है? 70% जो जनसंख्या है वो खेती के कार्य में लगी हुई है। और जो हरियाणा की जो खेती बाड़ी का जो क्षेत्र है वो जो देश की जो कुल हमारी खेती बाड़ी है उसका 1.3% है। देश के कुल जो हमारे देश की कुल कृषि क्षेत्र है इस क्षेत्र का हरियाणा कितना है? 1.34%। कि आपसे पूछा जाए कि जो हरियाणा की कुल कृषि क्षेत्र है वो देश के कुल कृषि क्षेत्र से कितनी है, तो हमारा 1.34% है। ये क्या है? हमारे कृषि का क्षेत्र है देश के साथ। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि जो हरियाणा की जो कृषि है उसको हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में? तीन भागों में। वो कौन से? एक आपकी रबी की फसल होगी, एक आपको खरीफ की फसल होगी, एक आपकी जायद फसलें होगी। कौन सी? रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और आपकी जायद की फसलें। तो सबसे पहले हम देखते हैं रबी की फसलें। जो ये हमारी रबी की फसलें हैं इन रबी फसलों को हम आषाढ़ी के नाम से भी जानते हैं। आषाढ़ी किसके नाम से? आषाढ़ी के नाम से जानते हैं। किन फसलों को? जो रबी की फसलें हैं उनको हम आषाढ़ी के नाम से जानते हैं। ये बोई कब जाती है? ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कि रबी की फसलें कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती हैं। और इनको काट कब लिया जाता है? तो जो हमारा मार्च अप्रैल है इसमें काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल में कि जो रबी की फसलें हैं वो आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इनको काट लिया जाती है। इन जो रबी की फसलें हैं उनको हम आषाढ़ी के नाम से भी बोलते हैं। ये कौन सी फसल होगी आपकी? गेहूं, चना, सरसों, आपका जौ होगा और आपकी मटर की फसलें होगी और आपकी जो अरहर है और जो आपका गन्ना है, गन्ना तो आपका खरीफ की फसल होगी। ये है आपकी रबी की फसलें। अरहर, उसके बाद में आप आलू भी लिख लेना सब्जियों के अंदर और जो आपकी मसर है उसको भी लिख लेना। ये आपकी कौन सी फसलें हो जाती है? ये आपकी रबी की फसलें हो जाती है। गेहूं, चना, सरसों, जो मटर, अरहर, आलू व मसर, ये कौन सी हमारी रबी की फसलें हैं। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि खरीफ की फसलें, कौन सी खरीफ की फसलें? खरीफ की फसलें, इन फसलों को हम सावणी के नाम से जानते हैं। सावणी किस नाम से जानते हैं? हमें सावणी के नाम से जानते हैं। किस फसलों को? खरीफ की फसलों को। ये खरीफ की फसल कब बोई जाती है? बोई तो ये आपके जून जुलाई में, जून व जुलाई में, जून जुलाई में ये क्या आपकी खरीफ की फसल
बोई जाती हैं उनको काटा कब जाता है, तो आपके अक्टूबर नवंबर इनको काट लिया जाता है, वह नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में इनको क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। कौन सी फसलों को, जो हमारी खरीफ की फसलें हैं उनको काट लिया जाता है। तो ये खरीफ की फसलें हमारी कौन सी होगी, तो आपका जो कपास हो गया, गवार हो गया, बाजरा हो गया, आपकी मूंगफली हो गई, गवार, कपास, गवार, बाजरा, मूंगफली, और यहीं पे खरीफ की फसल में आपके गन्ना ऐड होगा। जो गन्ना है वो खरीफ की फसल होगी आपकी। तो ये थी हमारी खरीफ की फसलें। उसके बाद में आप जो ज्वार व मक्का को भी बोल सकते हैं। ज्वार आपकी खरीफ में भी काउंटिंग होगी और रबी में भी काउंटिंग होगी, क्योंकि ज्वार को दोनों सीजनों में बोया जाता है, चारे के रूप में भी बोते हैं उसको। तो आप ज्वार भी लिख दें, और आपके पास हो गया एक मक्का। ये ज्वार और मक्का दोनों ऐसी फसलें हैं जिनको दोनों में भी काउंट कर सकते हैं, ज्वार व मक्का, क्योंकि ये चारे वाली फसलें हैं। तो ये थी हमारी खरीफ की फसलें। तो अब देखते हैं जो जायद की फसलें हैं वो जो इन रबी व खरीफ की फसलों के बीच में बोई जाती हैं, जैसे हमारे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज वगैरह हो गया, वो होगी हमारी जायद फसलें। कौन सी जायद फसलें। अब हम आगे देखते हैं कि हरियाणा में सबसे ज्यादा सिंचाई किन साधनों से होती है, किन साधनों से होती है, तो आपके पास आंसर होगा नहरों के द्वारा। जो ये फसलें हैं इन फसलों में सर्वाधिक सिंचाई किन साधन के द्वारा होती है, हमें नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो उसके बाद में देखते हैं, हम एक बार फसलों के बारे में देख लेते हैं कि कौन सी फसल कहाँ पे होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी गेहूं, गेहूं और आपकी कपास और जो खट्टे फल हैं, खट्टे फल ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, ये आपके सिरसा में, कहाँ पे होते हैं, सिरसा में। आपके पास गेहूं, कपास, खट्टे फल कहाँ पे है, ये आपके सिरसा में होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि आपके धान यानी कि चावल ये सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं, आपके करनाल में, कहाँ पे करनाल में, क्या धान व चावल कहाँ पे है, करनाल में होते हैं सबसे ज्यादा धान व चावल करनाल में। उसके बाद में करते हैं हम जौ व चना, जौ व चना ये आपके कहाँ पे होता है, ये आपके भिवानी में, कौन सा जौ व चना कहाँ पे होते हैं, भिवानी में होते हैं आपके जो है चना। और भिवानी में आपकी जो सरसों है वो सरसों होती है, अब इसके साथ में सरसों लिख लेना, सरसों कहाँ पे होती है, भिवानी में। लेकिन वर्तमान में सरसों सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ये तो महेंद्रगढ़ जिले में करोगे आप। उसके बाद में बाजरा, बाजरा पहले कहाँ पे होता था, भिवानी में, लेकिन वर्तमान में कहाँ है ये, महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ में जो बाजरा है वो वर्तमान में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, हमारा महेंद्रगढ़ में होता है, कौन सा बाजरा। उसके बाद में हम देखते हैं हमारे मक्का, एक है क्या हमारा
मक्का, मक्का हमारा होगा पंचकुला में। उसके बाद में आलू, आलू आपका होगा कुरुक्षेत्र में। और उसके बाद में आपकी होगी मशरूम, मशरूम या खुम्बी, ये आपके सोनीपत में। सोनीपत का गांव पूछे तो आपसे होगा खूबड़ू। ये खूबड़ू सोनीपत में होती है, कौन सी? मशरूम व खुम्बी सोनीपत के खूबड़ू में। उसके बाद में हम जो हमारे फल हैं उन फलों में देखते हैं, आपके जो केला हो गया वह सेब, केला व सेब कहाँ पे? हमारा फतेहाबाद में, केला व सेब फतेहाबाद में। उसके बाद हम देखते हैं हमारा आम, पहले कहाँ पे था? अम्बाड़ा में, पहले कहाँ पे था? अम्बाड़ा में, लेकिन वर्तमान में कहाँ पे है? ये होगा हमारा यमुना नगर। कि हमारा आम वर्तमान में कहाँ पे ज़्यादा है, तो ये है हमारा यमुना नगर के अंदर क्या है, आम सबसे ज़्यादा है। और जो हमारे खट्टे फल हैं वो कहाँ पे है? खट्टे फल हमारे सिरसा में, खट्टे फल कहाँ पे हो गए? सिरसा में। और यही अम्बाड़ा में एक आपकी होती है हल्दी, जो मसालों में सबसे ज़्यादा होती है हल्दी, लेकिन आजकल मसालों में सबसे ज़्यादा जो हमारा लहसुन है उसका उत्पादन होने लग गया है, तो पहले हल्दी का होता था। और खाने में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? तो हमारे गेहूं का होता है। और फलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन आम का होता है। तो ये कुछ फसलें थी जो हरियाणा के अंदर होती हैं। उसके बाद में हम वन लाइनर क्वेश्चन करते हैं कि हरियाणा में धान का कटोरा किसे कहा जाता है वह गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है? गेहूं का कटोरा वह धान का कटोरा। एक आपका पास हो गया गेहूं का कटोरा, एक आपके पास होगा धान का कटोरा। तो गेहूं का कटोरा हम कहेंगे सिरसा को, और धान का कटोरा हम कहेंगे करनाल को। किसको कहेंगे? करनाल को। धान का कटोरा करनाल को, गेहूं का कटोरा हमारा होगा सिरसा को, गेहूं का कटोरा। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि हरियाणा के अंदर जो कुछ परियोजना चली हुई थी, जिन परियोजना के अंदर जो हमारी मंडी है उन मंडियों को स्थापित किया गया था, तो आपसे पूछे कि जो फल है, फलों की मंडी कहाँ स्थापित हुई थी? फूलों, फलों की और फूलों की, उसके बाद में सब्जियों की, जो हमारे फल हो गए, फूल हो गए और सब्जियां होगी, इनकी मंडी कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो जो आपके फल हैं ये स्थापित की गई थी यमुना नगर में, यमुना नगर में फलों की मंडी यमुना नगर में। फूल आपके कहाँ हैं? गुरुग्राम में, फूलों की मंडी गुरुग्राम में। और सब्जियों की गरौंदा करनाल में, गरौंदा करनाल में। और एशिया की सबसे बड़ी मंडी आपकी होगी लाडवा कुरुक्षेत्र, लाडवा कुरुक्षेत्र, ये क्या है? एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। अभी फिलहाल अच्छे से ने यहीं से क्वेश्चन पूछा था कि लाडवा आपका कहाँ पे है, तो ये था कुरुक्षेत्र में। और गरौंदा आपका कहाँ है? करनाल में, यमुना नगर में फलों की, और फूलों की आपकी होगी गुरुग्राम में। अब पूछे आपसे कि हरियाणा के अंदर कुल मंडियों की संख्या, कुल मंडियों की संख्या, जो मंडी है उनकी संख्या कितनी है हमारे पास?
26, ये क्या है हमारे पास मंडियों की संख्या है, कहाँ पे, हरियाणा में मंडियों की संख्या। अब उसके बाद में आपसे खेती के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछती है कि सूक्ष्म सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना, सिंचाई योजना, इस सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत किसानों को कितने परसेंट सब्सिडी मिल रही है, तो 85% सब्सिडी मिल रही है किसके, सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत। और यही खेती बाड़ी रिलेटेड से हम कर लेते हैं कि जो मंडी है, मंडियों में 10% आरक्षण किसको दिया गया है, महिलाओं को दिया गया है। कितना परसेंट, 10% आरक्षण कहाँ पे दिया गया है, मंडियों में 10% आरक्षण। और पंचायती चुनाव में महिलाओं को कितना आरक्षण मिला है, तो ये आपका 50% किस में, पंचायती चुनाव में क्या है, 50%। और हम बात करें तो राशन डिपो में, जो राशन डिपो हैं, इस राशन डिपो में हरियाणा के महिलाओं को कितना परसेंट हिस्सा दिया गया है, तो 33% हिस्सा राशन डिपो में दिया गया है। और हम बात करें तो पुलिस की, तो पुलिस में कितना परसेंट दिया गया है, 15% महिलाओं को दिया गया है। तो ये कुछ महिलाओं के परसेंटेज है, 10% मंडियों में, 50% ये पंचायती में, और राशन डिपो पर 33% और पुलिस में 15%। और महिला हेल्पलाइन नंबर आपके पास 1091 होगा और 1073 व 1033, ये आपके पास हेल्पलाइन नंबर होगा। जो हमारा हाईवे है, उस हाईवे के अंदर कोई दुर्घटना होती है तो उसका हेल्पलाइन नंबर ये होगा हमारे पास। और 101 आपके पास पता ही है एम्बुलेंस होती है, 100 आपके पास पुलिस होती है, और आजकल इनको इकट्ठा कर दिया गया है 112 नंबर से। और उसके बाद में अगर आपको शिकायत है, कोई रिश्वत लेता है उसको शिकायत देनी है, तो 1800, 180 और 3600। अगर कोई नशा कर रहा है उसके बारे में रोकने के लिए आपको भी शिकायत देनी है, तो 1800, 180 व 1314, ये नशा रोकने के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर है। और 1057 किसके हो गए हमारे, 1057 ये कोरोना वाले हो गए। और 1075 किसके हैं, जो मेंटल हो चुके हैं उनके लिए 1075 पर कॉल करो और एम्बुलेंस आएगी और उठा के ले जाएगी। उसके बाद में हम आगे देखते हैं हरियाणा मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, प्लांट बोर्ड का गठन, बोर्ड का गठन, जो मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है इसका गठन कब हुआ था, इसका हुआ था 2002 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, पंचकुला में। किसका हेडक्वार्टर, मेडिसिन प्लांट बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर होगा आपके पंचकुला में। गठन कब हुआ था, 2002 में। उसके बाद में देखते हैं हरियाणा भंडारगार निगम, हरियाणा भंडारगार निगम, निगम भंडारगार निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1967 को। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये आपके पास होगा पंचकुला में। हरियाणा जो भंडार है, निगम है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1967 को हुई थी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो भंडार है इसकी अक्षमता कितनी है, अक्षमता तो 22 लाख है, जो आपकी मीट्रिक टन है इसकी अक्षमता होगी 22 लाख मीट्रिक टन, ये इसकी अक्षमता होगी। हरियाणा के अंदर टोटल भंडारगार की संख्या पूछिए आपसे, तो 111 टोटल क्या है, भंडारगार निगम है हरियाणा में 111। उसके बाद में आपसे पूछे हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना, बोर्ड की स्थापना, तो ये हो गया आपके पास 1 नवंबर 1
1 अगस्त है, ये आपके पास 1 अगस्त 1969 को, 1 अगस्त 1969 को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का इसका आपसे मुख्यालय पूछता है तो आपके कहाँ पे है मुख्यालय, ये आपके पास होगा पंचकुला में, इसका मुख्यालय पंचकुला में है। इसके अंदर कितनी मंडियों की संख्या आती है, मंडियों की संख्या कितनी है इसके अंदर, 126 है मंडियों की संख्या आती है। इसके अंदर जो सब मंडी है हमारी, उन सभी मंडियों की संख्या कितनी है, 168 है सब मंडियों की संख्या है। और इसी कृषि विपणन बोर्ड के तहत जो खरीद केंद्र है, खरीद केंद्र उनकी संख्या कितनी है, 196। तो ये कुछ डाटा है आप याद रखना, ये हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1 अगस्त 1969 को, मुख्यालय कहाँ है पंचकुला में, मंडियों की संख्या कितनी है 126, सब मंडी कितनी है 168, खरीद केंद्र कितने हैं 196। उसके बाद में हम करते हैं हरियाणा राज्य बीज विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य बीज विकास निगम लिमिटेड इसकी स्थापना कब हुई थी, 1974 में, किसकी, हरियाणा राज्य बीज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका भी मुख्यालय कहाँ आपका पंचकुला में, मुख्यालय कहाँ हो गया इसका पंचकुला में। उसके बाद में हम आगे देते हैं हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण निगम लिमिटेड कि जो बीज है उनका प्रमाण हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण निगम लिमिटेड कि हरियाणा राज्य के अंदर जो बीज प्रमाणीकरण निगम लिमिटेड है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपकी 6 अप्रैल 1976 में, 6 अप्रैल 1976 में बीज प्रमाणीकरण की स्थापना पूछे तो 6 अप्रैल 1969 के अंदर है। अगर हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना पूछे तो हमने पीछे किया था, अभी मैंने मिटवा दिया, 1974 में उसकी क्या थी स्थापना और उसका हेडक्वार्टर कहाँ था पंचकुला में। अगर इसका अधिनियम पूछे तो किस अधिनियम के तहत, तो 356 अधिनियम के तहत इसकी क्या हुई थी स्थापना हुई थी, तो इतना आप मत करना। तो यह था हमारा हरियाणा राज्य बीज प्राधिकरण निगम लिमिटेड के साथ स्थापना 6 अप्रैल 1976 को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया हमारा कि हेडक्वार्टर तो ये भी आपका कहाँ होगा पंचकुला में, और सिंचाई विभाग का मुख्यालय भी कहाँ है आपका पंचकुला में, जो हमारी सिंचाई विभाग है विभाग इसका भी मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी आपका कहाँ है पंचकुला में, किसका सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पे हमारा पंचकुला में है। तो ये थी हमारे हरियाणा राज्य की फसलों के बारे में। तो आपको क्लास कैसी लगी तो आप ज़रूर बताना इसके बारे में, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर व सब्सक्राइब भी किया करो। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ लास्ट में आपको कि हरियाणा में खेती की, जो किसान हरियाणा में खेती करते हैं उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किसकी खेती करते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए किसकी खेती करते हैं, तो डेंचा, डेंचा या मूंग की खेती, डेंचा या मूंग की खेती। यहीं पे आपके पास क्वेश्चन पूछ ले जाए कि मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन बढ़ाने की शक्ति, जो मिट्टी है मिट्टी में नाइट्रोजन कि हम कौन सी फसल को बीजें जिससे मिट्टी के अंदर जो हमारे नाइट्रोजन है वो क्या बढ़ जाए, तो उसका आंसर आपके पास होगा मटर,
अगर आप मटर की खेती करोगे तो आपकी मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन है इसकी मात्रा बढ़ जाती है। नाइट्रोजन क्या काम करता है, जो पौधों की वृद्धि के लिए ये सहायक है हमारा नाइट्रोजन। तो ये थी हमारी हरियाणा की जो फसलों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।